मेरा कॉलम दी गवादर पोस्ट पर मकरान भर के लिखारियों के कॉलम को डिजिटल तर्ज पर नशर करने का जरिया है। दी गवादर पोस्ट इजहार आज़ादी राय पर यकीन करते हुए लिखारियों के कॉलम का मवाद आप तक पहुंचा रहा है। दी गवादर पोस्ट का कॉलम निगारों की आरा से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट दी गवादर पोस्ट हमारे साथ ताबुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। प्यासा सीपैक मुनाफा बख्श बहरान जमील कासिम ग्वादर। ग्वादर में तैनात अफसर शाही दिल खोल कर और जहां तक उनकी पहुंच होती है लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ग्वादर की मुनाफियत को देखकर 10% अफसरान को छोड़कर बाकी मानदा सब रिटायरमेंट के बाद भी ग्वादर को छोड़ने के हामी नहीं और यूं मुस्तकलन सकूनत अख्तियार करते हैं। इन्हीं नाअहल अफसरान की वजह से ग्वादर के अवाम तमाम बुनियादी सहूलियात पानी बिजली गैस तालीम और सेहत से यकसर महरूम है। आलमी शहरत याफ्ता स्मार्ट सिटी सेफ सिटी सी पैक का झूमर ग्वादर में हर साल एक मुनाज़म तरीके से मौसम गर्मा के इन्हीं महीनों में मसनूई और मुनाफ़त बख्श बहरान पैदा करके अपने मखसूस मकासद की आबियारी के लिए राह हमवार किया जाता है। इससे ना सिर्फ मस्कूरा अफसरान बल्कि बुजरा तक अरबों रुपए कमाते हैं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल ग्वादर में पानी का बहरान शिद्दत से सर उठा रहा है। आवाम को मुजरे सेहत पानी सप्लाई करके पूरे ग्वादर शहर को मुख्तलिफ बीमारियों के तोहफे दिए जा रहे हैं। आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। हर इदारा जो चाहे जिस तरह का हतक आमेज रवैया रवा रखना चाहे कोई पूछने वाला नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि तमाम इदारे आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और इन्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है कि जदीद स्मार्ट शहर ग्वादर को जान पूछ कर तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। ग्वादर के आवाम को जीने के लिए पानी बिजली सेहत तालीम व गैस की सहूलियात से महरूम किया गया है। ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जिसको एक दुश्मन मुल्क भी बंद नहीं कर सकता। हमारे बड़े भाई सूबा पंजाब के पानी की ज़रूरियात वतन अजीज़ के सबसे बड़े दुश्मन हमसाए मुल्क हिंदुस्तान से पूरी होती है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी कभी भी बंद नहीं किया। अपने बुनियादी सहूलियात के लिए जब आवाम आवाज उठाते हैं तो उनको मुख्तलिफ हरबों के जरिए चुप कराया जाता है। ग्वादर के 2.5 लाख मुकामी आबादी को हुक्मरान बुनियादी सहूलियात शायद उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक ब्रोकरों के ज़रिए खरीदे गए ज़मीनों पर लाखों गैर मुकामी यहां आकर आबाद ना होंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी अहदेदार भी शेखों के साथ ग्वादर के प्यासी आवाम के प्यास बुझाने के लिए मैदान में कूद पड़े थे, लेकिन इसकी एंट्री शेखों के साथ सिर्फ मुन्ना भाई फिल्म के एक सीन की तरह साबित हुई। वो गए तो रखे गए पानी को मीठा करने के प्लांट को खिलौने की तरह उठाकर इफ्तिताह कराने वाले अपने साथ ले गए और उनकी बातें और तकरीब हमारे लिए सिर्फ ख्वाब ही की तरह बाकी रही। ग्वादर के मंसूबा साजी के लिए कायम करदा इदारा बता सकता है कि इनके पास इनके दायरा अख्तियार में बसने वाले 1 लाख आबादी के लिए रोड बनाने के अलावा बुनियादी मसाइल को हल कराने के लिए क्या क्या मंसूबे हैं। ग्वादर में हर सिविल वास्करी और मुल्की व गैर मुल्की वफूद को ग्वादर के बारे में कौन बेवकूफ़ बना रहा है। सब कुछ अच्छा है, राग कौन अलाप रहा है। हर बहरान के वक्त ग्वादर को सप्लाई कराने वाला पानी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जाते हैं और वो मंसूबे अभी तक पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचे। ग्वादर में बिजली व पानी के बहरान हकूमती हलकों और अफसरान के यहाँ सोने की चिड़िया की हैसियत रखते हैं। मुस्तकिल पानी की फरहमी के बहाने हकूमती वफूद व सरकारी अफसरान महंगे TA DA बनाकर अपनी जेब गर्म करके चलते बनते हैं और मंसूबे जूं के तूं पड़े रहते हैं।
ग्वादर के नुमाइंदे, सियासी पार्टियां, रैलियां निकालने वाली शख्सियात और ग्वादर को शहरग समझने वाले बलोच कौम परस्त पार्टियों के सरबराहान आज जब ग्वादर के आवाम गटर आमेजिश पानी पीने पर मजबूर हैं, वो क्यों कर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कहाँ है सालार साहिल वफाकी हकूमत का हिमायती व इत्तेहादी जिनकी सब सुनते हैं? कहाँ है वो सैनिटर जिसकी रोइयत पर पाकिस्तान के अवान यकीन करके ईद मनाते रहे? कहाँ है वो मुतवस्सित तबका कौम परस लीडरान जो मुनज़्ज़िम व मुस्तकिल मिजाजी से चाइनीज़ ट्रॉलरिंग पर पूरे बलूचिस्तान में गली गली कस्बा कस्बा मुहिम चलाते फिरते? और कहाँ है फ़ख्रे ग्वादर जिसको आवाम ने मुसलसल 3 दफ़ा अपने हकूक का जामिन चुनकर MPA मुंतखब किया? और कहाँ है इस पार्टी के शोला बयां MPA? कहाँ है वो सब? कौम परस्तों में ममताज हैसियत रखने वाले सरदार जिसकी अपोजिशन व हुक्मरान सब सुनते हैं और उसे आला मुकाम देते हैं, कहाँ है आखिर? कहाँ है वो वजीर आला का लाडला जो एक सरकारी अफसर को रिश्वत के तौर पर 2 करोड़ रुपया देने वाला और हर इसकी मात को अपने नाम मंसूब करवाने वाला? कहाँ है वो हुकूमती जुड़वा शख्सियात जो अपने आप को माहीगिरों का हमनवा और गमख्वार समझते हैं? क्या ये शख्सियात एक बड़े सानहे के मुंतजर हैं कि कब ग्वादर में रोनुमा होगा और इन्हें सियासत के लिए मौका मिलेगा, तब आकर वो अपनी हमदर्दियां दिखाएंगे? हुक्मरानों, होश के नाखून लो, किसी सानहे के बाद सानहा जन्म लेने को भांपो, और अगर ग्वादर के अवाम उठ खड़े हुए तो उनको बिठाना किसी के बस की बात नहीं होगी। बलूचिस्तान का दिल है ग्वादर, जो किसी बैग का मेन जुज्व है और पूरी दुनिया की नज़रें ग्वादर पर मरकूज हैं। ग्वादर खुदा ताला की अता करदा नेमत के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हामिल है और जहां ग्वादर में हमने तामीर किया है ग्वादर का सबसे ज्यादा डेवलप प्रोजेक्ट ग्वादर गोल्फ सिटी, 100% अप्रूव्ड NOC के साथ आलमी मायार का जदीद तरीन मंसूबा, जहां मौजूद हर वो सहूलत जो BSM डेवलपर्स की पहचान है। मेन मकरान कोस्टल हाईवे पर जिना एवेन्यू 2 की आइडियल लोकेशन पर महफूज और आला तर्ज रिहाइश का हामिल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है और इंशाल्लाह रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स जल्द पोजेशन के लिए दे दिए जाएंगे। अभी कॉल करें 0800-00101। New Metro City, project of BSM Developers. Metro City, project of BSM Developers.